प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताने वाला हूं वह मेरठ यूनिवर्सिटी का केस है। कविता चौधरी, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में ललित कला विभाग में अस्थाई रूप से लेक्चरर थी, यह उनकी कहानी है। इस कहानी का उजागर सबसे पहले बलसाड़ के एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके हनी ट्रैप मामले में सामने आया और उसके बाद यह कड़ी बहुत लंबी होती गई। कविता चौधरी बुलंदशहर में श्याना गांव और घनसूरपुर एरिया की रहने वाली थी। अक्टूबर 2006 को अचानक ये गायब हो जाती है और इनके भाई सतीश ने FIR लिखाई, मिसिंग रिपोर्ट जिसे कहते हैं, और उसी के आधार पे इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया मेरठ को। FIR रिपोर्ट लगने के बाद पुलिस ने इनका कमरा खोला, वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहा करती थी। कमरे को खोला गया जब काफी दिनों तक तो उसमें कुछ ऐसे पत्र मिले जिसमें कविता ने अपने को धमकाने की, डराने की और मार देने की धमकियों का जिक्र किया और कुछ नामों का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने अपने हत्या होने की संभावनाओं को व्यक्त कर रखा था और साथ में यह भी जिक्र किया कि वह ब्लैकमेल की जा रही है। यह मामला तूल पकड़ा और उस वक्त के CM मुलायम सिंह जी ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया IG पुलिस को, उनको कहा कि आप इसका स्वयं निरीक्षण करेंगे। IG बुलंदशहर ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया मेरठ जोन के IG को और ये डायरेक्ट IG के देखरेख में इस केस में उनकी निगरानी में जांच होने लगी। उसी कमरे से उनका फोन भी मिला था, मोबाइल फोन, और CD भी मिली थी। इस फोन कॉल और CD की सहायता से बहुत से लोगों के नाम सामने आए और ये पता चला कि उसके शारीरिक संबंध और उसका हनी ट्रैप का बिजनेस काफी पुराना था और बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। जो लोग उस CD के आधार पे सामने आए वो थे रविंद्र प्रधान, जो कि उस वक्त मिनिस्टर थे, और उसके साथ आए
मिनिस्टर किरण पाल सिंह, वाइस चांसलर आरपी सिंह, ये आरपी सिंह उस वक्त मेरठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, खाद्य मंत्री बाबूलाल, सिंचाई मंत्री मेराजुद्दीन, रविंद्र प्रधान का नाम तो था ही, और रविंद्र प्रधान को जब अरेस्ट किया गया क्योंकि वो सीडी में दिखाई देते थे स्पष्ट, तो उनकी मृत्यु हो जाती है डासना जेल में जो गाजियाबाद के पास स्थित है, और यह उनकी मृत्यु जो है वो 29 मई 2008 को हो जाती है। इनके अलावा, इन सब लोगों के अलावा 38 लोगों के नाम सामने आए जिनका जिक्र उन्होंने अपने पत्रों में और सीडी से ये सब पता चलता था। 24 दिसंबर 2006 को रविंद्र प्रधान के साथ अशोक कुमार और योगेश कुमार को अरेस्ट किया गया। इन सब के अरेस्ट होने के बाद में, लेकिन उसके बाद में रविंद्र प्रधान की जो है वो मृत्यु हो जाती है 29 मई को, और इनके साथ 25 जून 2007 को सुल्तान सिंह को अरेस्ट किया गया, और 10 मई 2007 को इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया, 10 जनवरी 2007 को इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, और 23 मार्च को चार्जशीट दाखिल कर दी गई इन सब के अगेंस्ट में सीबीआई कोर्ट में। कौन कौन थे? रविंदर, अशोक, जोगेश और आपके सुल्तान सिंह, इन सब की ट्रायल चली। और इसी बीच सबसे जो मुख्य बात थी वह थी कि इस बॉडी का आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मिसिंग ही थी अभी तक, उसकी बॉडी नहीं मिली। मेरे को सीबीआई ने कांटेक्ट किया जब यह बॉडी नहीं मिल रही थी, और अखबारों में एक किसी नदी में उसी रीजन में एक बॉडी मिलने की मिली, जिसकी आशंका हुई कि वह कविता चौधरी की बॉडी हो सकती है। उसके फोटो अखबारों में छुपवाए गए और कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कांटेक्ट भी किया गया, लेकिन उस बॉडी को उनके भाइयों ने मानने से इनकार कर दिया कि यह कविता चौधरी है, इसलिए वह डिस्पोज ऑफ हो गई। उसके बाद कुछ और बॉडीज मिली जो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई थी, और उनको रखा गया, फीमेल बॉडीज थी तो उनको रखा गया सुभारती मेडिकल कॉलेज में। यह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो मेरठ के इलाके में स्थित है, वहाँ पे इन डेड बॉडीज को रखा गया। मुझे सीबीआई ने कांटेक्ट किया और कहा कि इनमें से आप देखें कौन उनकी हो सकती है कविता चौधरी की डेड बॉडी, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके। और उसी संदर्भ में फिर मुझे सुभारती मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिला। मैं मेरठ में सब उनकी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, वही मेरठ के हॉस्पिटल में, हॉस्टल में
हम लोग ठहरे और वहीं पे सीबीआई के साथ में बड़ी डिटेल में इस केस के साथ बात हुई और उनके रिश्तेदारों के सैंपल भी लिए गए। और उसके बाद हम सुभारती मेडिकल कॉलेज में गए उन सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। सबकी लॉन्ग बोन को कलेक्ट किया गया, फीमर बोन निकाली गई और उनको लेकर के हम वापस लैब में आ गए। बहुत रात हो गई थी क्योंकि हम सुबह चले थे और सब मीटिंग्स वगैरह करते हुए और वहाँ पहुँचने में समय लगा, तो रात को काफ़ी देर से हम लोग वापस दिल्ली लौटे और डॉक्टर अनुपमा रैना ने ही उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, लेकिन वो मैच नहीं किया किसी का भी। इसलिए यह डेड बॉडी, कविता की डेड बॉडी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई, नहीं मिली। जो पहली डेड बॉडी थी, मेरा शक है, लेकिन उसका हमने डीएनए नहीं किया था, शायद वो हो, यह सिर्फ एक अंदाजा है जो अखबार की छपी फोटो से मुझे कुछ बहम होता था। खैर, वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी और बाकी जो मिली थी उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए बिना डेड बॉडी के ही इस केस को ट्रायल के लिए उन्होंने 23 मार्च 2007 को चार्जशीट दाखिल कर दी सीबीआई कोर्ट में। ये कोर्ट था सीबीआई का, जिसके जस्टिस थे मिस्टर एके सिंह। उन्होंने 23 सितंबर 2011 को ट्रायल के बाद इस केस में फैसला दिया और सुल्तान सिंह को उम्र कैद और रविंदर को उम्र कैद। रविंदर प्रधान की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, ये दूसरे रविंदर थे, और योगेश नाम के व्यक्ति को 3 साल की सजा दी। सुल्तान सिंह और रविंदर को 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया और योगेश को 3 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया गया। इस तरह से इस केस का समापन हुआ। हमारा योगदान इतना ही इसमें रहा कि हमने कोशिश की कि कविता चौधरी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकें और उसमें हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी बॉडी को सीबीआई भी ट्रेस नहीं कर पाई, आईजी मेरिट भी ट्रेस नहीं कर पाए और दूसरे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, कोई भी उनकी डेड बॉडी को ट्रेस नहीं कर पाया। सुल्तान सिंह का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी था, उन्होंने माना भी कि उन्होंने उसकी हत्या की है। यह था एक केस जो दर्शाता है कि हमारे समाज में, क्योंकि पर्टिकुलरली ग्रामीण समाज में, हमारी मान्यताएं और हमारे विश्वास बड़े अडिग रूप से विद्यमान थे, लेकिन पिछले दशकों में, खास करके आज़ादी के बाद, इनका जिस तरह से डिग्रेडेशन हुआ है उसको बताने के लिए यह कहानी पर्याप्त है कि कैसे एक छात्रा रही और बाद में एक लेक्चरर बनी, मेरठ यूनिवर्सिटी की छात्रा, वो अपने हनी ट्रैप में लोगों को फंसा करके, उनकी सीडी बना करके, और किस तरह से कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था ये तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन सीडी उसके कमरे से ज़रूर मिली और लोगों के बयानों से जाहिर होता है, किसी एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उससे करीब 35 लाख के आसपास पैसा भी लिया गया। तो इस तरह से यह सब साबित करता है कि समाज किस स्तर पर जा चुका है, या हमारे जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनका मानसिक स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है, और उसके साथ ही उनके अपनी ही मान्यताओं में विश्वास
किस तरह से गिरते जा रहे हैं, यह इसका एक द्योतक मात्र है। धन्यवाद।